श्रोताओं, यूँ तो देश को बनाने में, देश की आज़ादी को प्राप्त करने में असंख्य शहीद हुए, असंख्य हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, लेकिन एक नाम हमारे और आपके बीच में ऐसा है जो उन परिस्थितियों में और उन स्थितियों में भी प्रासंगिक था। उस समय जब देश आज़ाद हो गया, देश के निर्माण की जो परिस्थितियाँ थी उसमें भी प्रासंगिक रहा, और आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आज से 70 और 72 साल पहले की परिस्थितियां थी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, जो भारत रत्न के तौर पे भी जाने जाते हैं, और देश को चलाने और उसके विधान को बनाने में जो संविधान का निर्माण हुआ, उस संविधान के निर्माण की जो कार्यकारी समिति थी उसके अध्यक्ष भी थे, तो उनका जो संदर्भ आता है, उनका जो पूरा जीवन दर्शन है, जीवन निर्माण है, वो कैसे एक अंबेडकर के तौर पर हमारे और आपके बीच में निकल के आ रहे हैं, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां हैं बड़ी विषम है। एक तरफ हम आज़ादी की लड़ाई की बात कर रहे हैं, आज़ादी प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश का एक बहुसंख्यक जो समाज है उसके अपने अंतर्द्वंद हैं, आपस के अपने मतभेद हैं, लेकिन एक बड़े लक्ष्य के लिए हम सब एक थे, लेकिन वो द्वंद्व भी जारी थे, वो परिस्थितियां भी जारी थी। तो इन सब ने भी क्या अंबेडकर को अंबेडकर बनाने में योगदान दिया? आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सूर्यचंद शर्मा जी, आप स्कॉलर हैं, शिक्षाविद हैं और समाज के ऐसे पक्षों पर अपनी सोच और समझ रखते हैं। वो सोच और समझ आज के संदर्भ में कितनी प्रासंगिक है ये भी हम जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। तो अंबेडकर कैसे अंबेडकर बन रहे हैं? समाज की जो परिस्थितियां हैं, जो आपस के अंतर मन कहें, अंतर भेद कहें, अंतर एक दूसरे को प्रभावित करने वाले कारक कहें, कितना उनको जोड़ रहे हैं, तो कुछ आज के संदर्भ में जो रखना चाहें हमारे श्रोताओं के लिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। भारत को इस बात पर गर्व है कि आज़ादी के दौर में उसे ऐसे अनमोल रत्न मिले जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विश्व को दिशा दी है। और ऐसे दो रत्नों में दो नाम भारत की ओर से विश्व में गिने जाते हैं, एक महात्मा गांधी का और दूसरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और ये दोनों नाम आज के दौर में इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन का विकास किया, जिन परिस्थितियों ने उनको मोड़ दिया, उन परिस्थितियों उस परिस्थितियों से अदम्य साहस के साथ संघर्ष करते उन्होंने अपना रास्ता बनाया। बाबा साहब का जन्म होने से पहले जो परिस्थितियां थी जी, कि 1827 में महात्मा ज्योतिराव फूले उनका जन्म होता है, और उसी समय 1856 में ब्रिटिश सरकार एक कानून बनाती है कि सरकारी सहायता से चलने वाले किसी भी स्कूल में किसी भी अछूत को, दलित को अगर निकाला जाता है तो उसकी जो सहायता है वो बंद कर दी जाएगी। यह 1856 में सरकार कर रही है, यानी कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी थी भारत में जिसको अंग्रेजों ने महसूस किया था जी। उसी समय एक उनके और पथ प्रदर्शक जिन्होंने उनको महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र पुस्तक भेंट की थी, कृष्णा जी अर्जुन, उनको केल उसका दादा भी कहते हैं, उनका भी जन्म 1860 में हो जाता है। और बाबा साहब के जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, वो भी 1863 में जन्म ले लेते हैं। बाबा साहब के जो बाबा थे, दादाजी, वो मालोजी सकपाल, रत्नागिरी जिला है, मंडनगढ़ तहसील में अम्बावड़े गाँव है, वहाँ वो रहते थे। और उनको गांव देवी की जो यात्रा है उसको निकालने का समाज की तरफ से अधिकार प्राप्त था, और वो बहुत सम्मानीय बात थी, यानी कि सामाजिक तौर पर वो उनको पिछड़ा नहीं कहा जाता कि पूरा गांव उस समय एक होता था उनके जी लिए। जी जी मतलब गांव के स्तर पर जिसको मान्यता है उसको हम पिछड़ा नहीं कह सकते जी। 1866 में फिर उनके पिताजी अम्बेडकर साहब के, रामजी अम्बेडकर, अम्बेडकर तो नहीं कहेंगे उनको, सकपाल उनका जो है टाइटल था, मालोजी सकपाल के नाम से उनके दादाजी को जाना जाता था। तो उनके जो रामजी सकपाल जो अम्बेडकर साहब के पिता हैं, उनका जन्म 1866 में होता है। और जब वो सेना में भर्ती हुए तो जो लक्ष्मण मुरबाटकर
उनके कमांड में थे वो, तो उनकी जो बेटी थी भीमाबाई, सुंदरी भीमाबाई, तो एक साल बाद में उनके साथ में उनका विवाह हो गया, जो बाद में अम्बेडकर की माता बनी। तो सत्यशोधक समाज 1873 में महात्मा ज्योतिराव फूले स्थापित करते हैं, और इस संस्था का यही उद्देश्य है कि हजारों साल से जो उत्पीड़ित किए गए उनका उद्धार कैसे हो। फिर एक नाम और आता है बाबा साहब के जीवन में, वो कोल्हापुर के महाराजा साहब हैं, छत्रपति शाहू छत्रपति, उनको भी बहुत प्रताड़ित किया गया था, क्योंकि शिवाजी महाराज को जो छत्रपति का खिताब मिला था तो उसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व था, वो जिसको तिलक करते थे उसी का होता था, इनको तिलक भी उस तरीके से नहीं किया गया था, बताते हैं कि अंगूठे से तिलक कर दिया था, पैर के अंगूठे से, और छत्र धारण करने का अधिकार दिया था, राजा नहीं बनाया गया था, तो वो सारी कंडीशंस उन पर लगी थी, वो भी विरोध कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो मालव जी के एक और भाई थे जो संत हो गए थे, तो वो संत अपने घूमते फिरते रहते थे, तो रावलपिंडी कैंप में जब ये रामजी सकपाल थे उस समय वो संत जो थे उनको फकीरा लोग कहते थे, वो उनके चाचा हुए, तो वो उनको मिलने के लिए आए थे, 1869 की बात है ये, और 1881 में सयाजी राव गायकवाड़ का तिलक हो गया था, और गायकवाड़ ने एक काम किया कि बड़ौदा में अछूतों के लिए एक स्कूल उन्होंने खुलवाया था, कि अब जो है दलितों के साथ में कोई अन्याय नहीं होगा, अगर सवर्ण उनके साथ नहीं बैठना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सेपरेट स्कूल भी खोला गया था। इस तरीके से एक और बाबा हैं गोपाल बाबा वालंकर, उन्होंने भी जो अछूतोद्धार का संकल्प लिया था, और उन्होंने अनार्य दोष परिहार समाज की स्थापना की थी, और वो वही गांव है जहां अंबेडकर ने प्राइमरी कक्षा की शुरुआत। इस तरह से तो उनके चाचा जो फकीर थे, जो संत थे, एक बार वो घूमते हुए आए तो अम्बावड़े गाँव में वो पहुँचे, और महू में इनकी पोस्टिंग थी रामजी सकपाल की, महू से अम्बावड़े आए हुए थे, उसी समय संयोग से वो संत चाचा आ गए, जब सुबह का समय हुआ तो वो ध्यान में बैठे, तो ये दोनों पति पत्नी जब पास में आए तो उन्होंने कहा कि राम जी क्या बहू गर्भ से है? तो भीमाबाई शर्मा गई सुन करके, तो उन्होंने कहा कि मैं एक नक्षत्र उदित होते हुए देख रहा हूँ, और होने वाली संतान अद्भुत होगी, विलक्षण होगी, दलितों का उद्धार करेगी, उसका विश्व में नाम होगा, भारत के महापुरुषों में वो गिना जाएगा और विश्व में नाम होगा। ये भविष्यवाणी संत चाचा ने अंबेडकर साहब के जन्म से पहले की थी। तो जो अंबेडकर आज जिनको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके अंबेडकर होने का जो इतिहास है, जो परिस्थितियां हैं, जो नक्षत्र की आप बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लिखी जा चुकी थी, और उसमें चाहे अपन सयाजी गायकवाड़ साहब की बात करें, तो वो जो परिस्थितियां बन रही हैं वहाँ कहीं ना कहीं अंबेडकर जी पर जो उनके जीवन पर प्रभाव रहा वो ज्योतिबा फुले का दिखता है, उनके फकीर चाचा का दिखता है, और उनके जो सयाजी गायकवाड़ साहब की भी बात करें, क्योंकि जो समाज के निर्माण के उत्थान की बात कर रहा है वो भी संतत्व को प्राप्त ही आत्मा है, तो कहीं ना कहीं वो परिस्थितियां हैं उनसे वो कहीं प्रेरणा ले रहे हैं, और एक स्थितियां बन चुकी हैं। बिल्कुल सही जी। तो वो उस समय का जो स्थिति और समाज है वहाँ से एक अम्बेडकर निकल के आ रहे हैं उसमें, आप ये कहना चाह रहे हैं जी। तो जब महू में, जो इंदौर के निकट महू है जिसको आज अम्बेडकर नगर कहा जाता है, इसको जिले का नाम दर्जा दे दिया गया है, तो वहाँ इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को। तो उस समय नायक ये जो इनके पिताजी हैं रामजी सकपाल और भीमाबाई, उनकी 14वीं संतान है, एट ए टाइम 5 जो इनके बच्चे वो जीवित रहे, बाकी सब मरते थे। तो 1892 में जो इनकी जाति थी महार जाति, उस पर प्रतिबंध लगाया गया कि अब ये लोग सेना में भर्ती नहीं किए जाएंगे, उसका संघर्ष भी रामजी सकपाल ने किया। फिर ये रिटायर हो जाते हैं रामजी सकपाल, और वापस उसी गांव में आते हैं जिसमें अछूतोद्धार का संकल्प लेने वाले गोपाल बाबा पहले से मौजूद हैं, दापोली वो गांव है जी, और उसी की प्राइमरी पाठशाला में अम्बेडकर को भर्ती कराया, वहीं से उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू होती है दापोली। दापोली अब दापोली इस प्राइमरी स्कूल में ये स्थिति है कि ये अपना बोरा लेके जाते हैं, 3 वर्ष का बालक है, बोरा लेके जाते हैं, उनके पानी पीने की मटकी अलग है, सब कुछ अलग है, कोई बच्चा उनसे बात नहीं करता, कोई बच्चा उनसे खेलता नहीं, और वो ऐसे ही सारा जो स्कूल का समय होता है वहाँ पढ़ करके ऐसे लौटा। अब ये अंबेडकर के ऊपर जो इनडायरेक्ट उनके बालमन पे जो प्रभाव पड़ रहा है दापोली तो, में जी जी।
फिर उसके बाद में सतारा में उनके पिता ट्रांसफर होके आ जाते हैं, PWD में उनको नौकरी मिलती है। तो सतारा में वो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ भी वही परिस्थितियाँ होती हैं। इस दौरान ये घटना घटती कि जब गोरेगांव में जब उनको काम मिला था, तो गोरेगांव जो भी अम्बेडकर साहब इनके बड़े भाई आनंद राव और भतीजे जा रहे थे अपने पिता मिलने के लिए, तो पंसारा स्टेशन से उतर करके शाम हो गई थी, कोई लेने नहीं आया क्योंकि पिता को पता नहीं था कि ये लोग आ रहे हैं। तो जब ये उतर के चलने लगे वहाँ से, तो स्टेशन मास्टर ने गाड़ी में इनको बिठा दिया, गाड़ी वाला गाड़ी लेके चलने लगा। तो जब बातचीत होने लगी तो उन्होंने बात बताया कि भाई तुम कहाँ से हो, कैसे हो। तो जब गाड़ी वाले को ये पता चला कि ये महार जाति के लोग हैं, तो उसने तुरंत उतार दिया, तुमने गाड़ी अपवित्र कर दी, हमारी गाड़ी बैलगाड़ी अपवित्र हो गई, बताया नहीं। उस रात तीनों लोग जो है 12:30 बजे गोरेगांव पहुंचे। ये घटना उनके जीवन। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो बाल मन से चाहे वो विद्यालय में जा रहे हैं, चाहे वो समाज की परिस्थितियों को झेल रहे हैं, चाहे जीवन यापन के जो आसपास का जो क्रम चल रहा है, जहाँ हर जगह उनको एक तरह से पीड़ा महसूस हो रही है समाज के व्यवहार से, तो ये जो चीज़ें उनके चाहे बड़े होते गए चाहे शिक्षा दीक्षा के समय, तो निश्चित तौर पर उनको प्रभावित किया। लेकिन आगे जब वो अपने कर्म क्षेत्र में आते हैं, कर्म भूमि में आते हैं, तो उन लोगों के जो वंचित हैं, जो समाज द्वारा पीड़ित हैं, उनके उत्थान की तो बात करते हैं, लेकिन कहीं उस समाज से भी वो विद्वेष नहीं पालते जिसने उनको प्रताड़ित किया, वंचित किया, महसूस किया। तो ये जो एक बड़ी बात है कि वो उस समाज के लिए तो हम काम करेंगे, लेकिन हमें किसी से द्वेष भी नहीं है, विद्वेष भी नहीं है, हम संघर्ष की राह अपने हक के लिए तो लड़ेंगे, लेकिन किसी से बदला लेने की बात हमारे मन में नहीं आएगी। तो ये एक बड़ा संदेश जो अम्बेडकर जी के कर्म से और मन से जो जाता है, ये आज बड़ा प्रासंगिक हो जाता है। इसका जो श्रेय है वो उनके गुरु को है, रामचंद्र भागवत अम्बेडकर को, जिन्होंने उनको अम्बेडकर का टाइटल दिया था। जी, सतारा में ही जब ये पढ़ रहे थे तो उस समय उनके साथ जो अपमान हो रहा था, एक तो नाई ने उनके साथ अपमान किया कि बाल कटाने गए तो पता चला ये मार जाती कि, तो उसने डांट फटकार लगाई। बारिश हो रही थी, स्कूल जा रहे थे, तो एक दीवाल के पास में खड़े हो गए, तो उस मालकिन ने लाठी मारी, उनकी सारी किताबें कीचड़ में सन गई और वो सनी हुई किताबें लेकर के वहां पहुंचे। तो वहां कक्षा अध्यापक जो पेंट से था उसने पूछा, जब उसने पूछा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सारी कहानी बताई। इसने समझा कि शायद बारिश में भीग गए, फिसल गया होगा। उसने कहा नहीं, मेरे साथ में ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार हुआ, तो पेरेंट्स से भी कुछ कह नहीं पाए। एक बार वो कुएं से पानी भरने लगे, प्यास लगी थी, तो उनकी पिटाई भी की गई, तूने मेरा रस्सी और बाल्टी क्यों छू लिया। ये वो भारत, इन परिस्थितियों से अम्बेडकर बन रहे हैं। अम्बेडकर का उदय जो है यहाँ से हो रहा है, मतलब समाज की वो परिस्थितियाँ वो बना रही हैं जो आगे चल करके देश और समाज के निर्माण के लिए कार्य कर रहा है, और जिसकी आज भी हम न सिर्फ आप उसमें भाव विभूत हैं उसके काम से, तो बल्कि उन परिस्थितियों से भी प्रताड़ित होकर वो अच्छा करने की प्रेरणा। तो उसी समय में रामचंद्र भागवत वहाँ सतारा स्कूल में आए और उन्होंने अम्बेडकर को देखा तो उनको सहज आकर्षण हुआ। फिर जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम अछूत हो और ये परिस्थितियाँ जो है, लेकिन इसका बदला क्रोध से नहीं लो, तुम कार्य से लो, तुम इतना पढ़ो कि सवर्ण तुम्हारा मुंह देखते रह जाए। और उन्होंने कहा कि अब तुम अपने नाम के आगे अम्बावड़े लिखते थे, सतपाल नहीं लिखते थे, ये भीमराव अम्बावड़े, रामजी अम्बावड़े गांव का नाम था जो, तो उन्होंने कहा तुम अम्बावड़े मत लिखा करो, अम्बेडकर लिखा करो। तो इन्होंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी राजी हो गए, तो स्कूल में इनके सब रिकॉर्ड में अम्बेडकर नाम कर दिया गया और 7 नवंबर 1900 से वो भीमराव रामजी अम्बेडकर हो गए। तो ये जो प्रेरणा है वो ब्राह्मण थे, रामचंद्र भागवत अम्बेडकर, तो वो ब्राह्मण शिक्षक थे, उन्होंने अपना टाइटल इनको प्रदान किया। मतलब गुरु एक तरह से शिक्षा दे रहे हैं कि बदलाव के लिए शस्त्र से ज्यादा शास्त्र की और शिक्षा की जरूरत है, क्रोध नहीं, प्रेम करिए, कर्म को प्रधानता दीजिए, तो वो ही आगे चल करके फिर अम्बेडकर जी के जीवन में आ रहा है और दिख रहा है उसमें। तो और जो परिस्थितियां रही होंगी समाज की और परिस्थितियों की, जो कोई ऐसा प्रसंग जो उनके, जैसे गायकवाड़ जी से जब वो जुड़ रहे हैं आप बड़ौदा वाले
महाराज की बात कर रहे हैं, तो उनको भी कुछ ऐसा ही लगा होगा कि इस बालक में बड़ी असीम शक्ति है, आगे चल करके ये देश और समाज बहुत बड़ा काम करेंगे। उसका ये है कि जब ये पढ़ करके वहाँ से सतारा के बाद में मुंबई आ गए 1901 में, तो वहाँ मराठा स्कूल में भर्ती हो गए, फिर उसके बाद एल्फिस्टन स्कूल में, वहाँ भी सब बच्चे जो है इनसे डिस्टेंस रखते थे। एक बार शिक्षक ने गणित का सवाल लिखा तो कहा कि भाई इसको कौन हल करेगा, कोई कक्षा में हाथ नहीं उठाया, लेकिन अम्बेडकर ने हाथ उठाया। तो ये हुआ कि भैया हल करके दिखाओ। जब ये हल करने के लिए वहाँ जाने लगे श्यामपट्ट के पास में, तो सारे बच्चों के टिफिन वहाँ रखे हुए थे, उन्होंने अपने पे टिफिन हटा लिए, खाना दूषित हो जाएगा। और फिर उन्होंने सवाल हल करके दिखाया तो बहुत प्रसन्न हुए। तो वहीं चरनी रोड पर एक बार ये बैठ कर किताबों में अपने मशगूल थे, पढ़ रहे थे। हाई स्कूल इन्होंने 1907 में किया था, और जब ये हाई स्कूल इन्होंने किया तो पूरी महार जाति में एक हंगामा हो गया कि भाई कोई इनकी समाज से हाई स्कूल पास हो गया। एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया, और वो महात्मा ज्योतिराव फूले का जो सत्य सुधक समाज है उसी ने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, और उसमें ये जो दादा केलुस्कर साहब हैं, कृष्णा जी अर्जुन मराठी के साहित्यकार हैं, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और उन्होंने वो महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र उसी समय उनको दिया, भेंट दी है उसमें पुरस्कार के रूप में। तो अब इसमें जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा लंबा संघर्ष जीवन का भी, समाज का भी, और समय की परिस्थितियों का भी वो झेल रहे, इसी समय आज़ादी का आंदोलन भी कहीं ना कहीं अग्रसर है, तो फिर आज़ादी के आंदोलन से जुड़ना, उसमें सहभागिता निभाना, और उस समय के जो तात्कालिक महापुरुष हैं जो आज़ादी के आंदोलन में जुड़े हुए हैं, चाहे वो गांधी हों चाहे वो नेहरू हों, तो उनसे भी जो जुड़ाव और उसकी कुछ घटनाएं आपको याद आ रही हैं? हाँ, अभी इनका जो शैक्षणिक कार्य है वो सिर्फ एल्फिंस्टन कॉलेज जब पहुँच जाएंगे तो इनको खर्चे की बहुत बड़ी कमी पड़ती है, तो दादा केलुस्कर ने इनका परिचय सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा महाराजा से कराया, तो उस समय उन्होंने 25 रुपये महीने की छात्रवृत्ति प्रदान की थी जी, उसी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद में वो लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर वो बड़ौदा में महाराजा की सेवा में आ गए। तो उसी दौर में ये हुआ कि महाराजा साहब ने घोषणा की थी कि वो 4 दलित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजेंगे जी, तो उसमें अम्बेडकर साहब ने अपनी अर्जी दी और वो पास हो गए। तो इस तरीके से कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनका एडमिशन हुआ ग्रेजुएशन के बाद, और वो अनुबंध की शर्त थी 3 साल के लिए फेलोशिप है स्कॉलरशिप, उसके बाद में आपको सरकार के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये एक महाराजा साहब के साथ में इनका पैक्ट हुआ और ये कोलंबिया से उन्होंने MSc की, फिर वहाँ से वो लंदन भी गए और जर्मनी भी गए उसी फेलोशिप से, फिर उसका जब टर्न पूरा होगा तो महाराजा साहब ने उनको बुला लिया। फिर उनके यहाँ ये हुआ कि भाई इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन अर्थशास्त्र में इन्होंने किया था, तो कहा कि इनको वित्त मंत्री बनाया जाए, तो सारे सवर्ण उनका विरोध कर रहे कि नहीं ये वित्त मंत्री नहीं होना चाहिए, तो ये हुआ कि उनको सैनिक सचिव की पोस्ट पर रखा, लेकिन वहाँ भी उनके साथ दुर्व्यवहार होता रहा। अंत में महाराजा साहब भी जो है तंग आ गए, तो ये हुआ कि भाई उनका ठीक है भाई नहीं मानते तो हम क्या कर सकते, फिर उन्होंने रिजाइन करके छोड़ दिया बड़ौदा, और वो वापस जो है बम्बई में सिंडनहम कॉलेज में लेक्चरर हो गए। तो वहाँ उनकी कोशिश थी कि भाई वो जो हमारे लंदन में पढ़ने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, फेलोशिप का टाइम पूरा हो गया था, उसको करने के लिए उन्होंने उस कॉलेज से, और फिर छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज से भेंट होती है, फिर वो मूक नायक अखबार निकलता है दलितों का पहला अखबार साहू जी महाराज की उससे उनके सहयोग से, तो उसे मूक नायक का जो टाइटल है वो अम्बेडकर साहब ने दिया था कि ऐसे लोग जिनको बोलने का अधिकार नहीं समझ। तो ये भारत है उस जमाने का जो तस्वीर दे रहा है। और फिर वो सिंडनहम कॉलेज से प्राचार्य होकर के पैसा इकट्ठा करके साहू जी महाराज से एक पैसा लेकर के फिर वो विदेश जाते हैं लंदन में, और वहाँ वो जो लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस है वहाँ से MSc और DSc बार अटला की डिग्रियाँ जो है प्राप्त करने के लिए प्रवेश करते हैं। जी जी, तो ये एक उच्च शिक्षा का उनका क्रम है। मैंने जो सवाल आपसे पूछा था वो फिर से भी जानना चाहूंगा कि जो आज़ादी के आंदोलन में फिर उनकी जो सहभागिता है, प्रतिभागिता है, और लोगों से जो उनका एक दूसरे से जुड़ाव है वो कैसे सामने आता है? अभी उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद में जब वो आते हैं तो कोल्हापुर के मानगांव में एक सम्मेलन जो होता है, तो वहाँ से उनका सामाजिक जो तालमेल है, साहू जी महाराज का जो दुख है, उन्होंने जो व्यक्त किया कि भाई ये एक नेता आए हैं महार जाति में, दलित जाति में, जो दलितों का उद्धार करेंगे,
और ये देश को बहुत आगे ले जाएंगे इसकी घोषणा। तो यहाँ से उनका पॉलिटिकल जीवन 1920 से मान सकते हैं जी कि शुरू हुआ। फिर 1923 में एसके बोले, एमके बोले ने ये प्रस्ताव पारित किया कि जो है दलितों को जो सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर वहाँ धर्मशाला है, कुएं, तालाब है, वहाँ पर ये दिया जाए उनको अधिकार। तो उस अधिकार के सिलसिले में भी वो समाज के संपर्क में आते हैं। फिर 1927 तक आते आते एक बहुत बड़ा जो है संघर्ष का मोड़ आता है जिसको महाड़ सत्याग्रह कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी का है असहयोग आंदोलन है, नमक कानून तोड़, ऐसे महाड़ सत्याग्रह वहाँ शुरू हुआ सिर्फ एक तालाब पर कब्जे को लेकर के, क्योंकि उसका पानी पीने का अधिकार अछूतों को नहीं था। मुसलमान पी सकते थे, कोई भी पी सकता, लेकिन अछूत नहीं पी सकते थे जी। तो महाड़ सत्याग्रह से इनकी असली शुरुआत होती है। इसके पहले वो आ चुके हैं बॉम्बे, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, तो उसमें मनुस्मृति का अग्निदाह होता है। और उसमें जब साइमन कमीशन उसी दौर में आता है, साइमन कमीशन का सब जगह विरोध हुआ, लेकिन अम्बेडकर ने उसका सिर्फ इसलिए सम्मान किया क्योंकि उनको अपनी बात रखने का मौका मिला और उन्होंने साइमन कमीशन के सामने इस सारी बातें कही कि ये भारत में हो रहा है। बहिष्कृत भारत जो संस्था स्थापित हुई थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में हो चुकी थी, और ये जो है बहिष्कृत भारत भी जो एक प्रकाशक संस्था थी जो इन बातों को प्रकाशित करी थी, वो पक्ष उन्होंने साइमन कमीशन के सामने 1927 में रखा जी। ये जो शुरुआत हो रही है जीवन जीने के लिए जो आवश्यकता पानी की है उस तक के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, तो वो उस मंच पर इस रूप में अपनी बात समाज की और अपनी बात रख रहे हैं, तो ये एक मतलब वहाँ से उनकी शुरुआत हो जाती है। इसमें आगे के जो क्रम रहते हैं उसमें, क्योंकि गांधी जी भी उस समय आ चुके हैं, गांधी जी के अपने कार्यक्रम चल रहे हैं और भी जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्यक्रम, जो अम्बेडकर साहब है अभी वो बहुत नीचे पायदान पे हैं, अभी उनका इमरजेंस नहीं हुआ है, लेकिन इस सत्याग्रह से, महाड़ सत्याग्रह से फिर एक नासिक सत्याग्रह होता है जहाँ जो काला राम मंदिर है उसमें प्रवेश की अनुमति नहीं थी, वो एक नासिक सत्याग्रह होता है, वहाँ भी संघर्ष करके जब ये आप निकल के आते हैं तब उनको जानना शुरू होता है कि भाई अम्बेडकर भी कोई चीज़ है। 1930 तक आते आते इनका इतना वर्चस्व हो जाता है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें इनको आमंत्रित किया जाता है, और ये 1930 के सम्मेलन में जब जाते हैं तो कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया है। वहां उन्होंने जो अपनी बात रखी दलितों की गोलमेज सम्मेलन में, उससे पूरा विश्व हिल गया, क्योंकि भारत में ऐसा हो रहा है और विश्व को पता नहीं है। तो वहां जब ये बात रखी गई और सम्मेलन मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में हुआ था, और बाबा साहब ने कहा कि जिस दलित वर्ग का मैं और मेरे साथी राव बहादुर श्रीनिवास शास्त्री, ये मद्रास से थे, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके दृष्टिकोण को, उनके हित को दृष्टि में रखकर विधान में जो परिवर्तन किए जाने चाहिए उनको आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं, इस उद्देश्य से मैं उपस्थित हुआ। अंग्रेजों के भारत में पदार्पण करने से पूर्व भारतीय समाज में हमारी जो स्थिति और परिस्थिति थी उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ब्रिटिश लोगों से पूर्व हम अछूतपन के शिकार थे, क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें इससे मुक्त कराने के लिए कुछ किया? अंग्रेजों के भारत आगमन से पूर्व हम मंदिरों में नहीं जा सकते थे, क्या अब जा सकते हैं? अंग्रेजों से पूर्व हमें पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता था, क्या अब भर्ती किया जाता है? अंग्रेजों से पूर्व हमें सेना में भर्ती नहीं किया जाता था, क्या अब भर्ती किया जाता है? तो ये प्रश्न उस समय की व्यवस्था पे खड़ा, पहले गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर साहब उठा रहे हैं। मैं जनतंत्रवाद का पक्षपाती हूँ जो एकाधिकार को उसकी सभी शक्लों में समाप्त हुआ देखना चाहता हूँ। हमारा आदर्श है कि व्यवहार में सभी आदमी समान समझे जाएं, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में तथा सामाजिक क्षेत्र में, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार हमारे उस उद्देश्य तक पहुँचने का एक साधन है। इस सम्मेलन से अम्बेडकर के ये लॉर्ड सिंडेमहन, ओडोयर, ये सब इनके कायल हो गए, उनको राष्ट्रवादी नेता माना गया, जिसकी मतलब एक बड़े समाज की बड़ी पीड़ा को वो उस मंच पे रख रहे हैं जिससे उस समय की व्यवस्था भी अनभिज्ञ है। महाराजा सयाजी राव मौजूद हैं, लंदन में ही हैं, और जब उन्होंने ये सब सुना तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए और अपनी महारानी साहब से उन्होंने कहा कि आज मेरा पूरा पैसा वसूल हो गया है, अम्बेडकर पे जो पैसा हमने खर्च किया है वो आज के इस भाषण से पूरा वसूल। तो ये बाबा साहब का जो करिश्मा है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो अवतरण है, जिसका जो जिसकी भविष्यवाणी वो चाचा संत चाचा ने की थी, वो 1930 के सम्मेलन में सत्य साबित हुई। फिर
उसके बाद में 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आ गया, इसमें जो है गांधी जी से उनकी भेंट होती है। और गांधी जी उससे पहले उनसे मिल चुके हैं सम्मेलन से पहले, तो उन्होंने बुलाया एक बार कि भाई अम्बेडकर को बुलाइए, तो अम्बेडकर साहब जब गए तो उनका कहा मेरे पास में जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके आधार पर मैं जानता हूँ कि तुम देशभक्त हो। गांधी ने कहा बाबा साहब हर एक जानता है कि मुसलमान और सिख अपेक्षाकृत अछूत के सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में बहुत आगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुसलमानों को राजनीतिक सुरक्षा और प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात हुई थी, निश्चित रूप से ये दलित वर्ग के लिए हितकारी होगा। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं अछूतों के हिंदुओं से राजनीतिक विभक्तिकरण के विरुद्ध हूँ, ये आत्महत्या जैसा कदम होगा। बाबा साहब ने कहा आपके स्पष्ट विचारों के लिए धन्यवाद, ये अच्छा है कि मैं अब जानता हूँ कि इस समस्या को लेकर मैं कहाँ खड़ा। यहाँ जो सदी के दो महानायक आपस में बात कर रहे हैं जी, समाज का चिंतन कर रहे हैं जी जी। फिर इसके बाद में सम्मेलन शुरू होता है और सम्मेलन में बात रखी जाती है मुसलमानों को 10 वर्ष और दलितों को 20 वर्ष तक पृथक निर्वाचन का जो अधिकार है वो प्रस्तावित किया गया था। तो महात्मा गांधी ने जिन्ना से दलितों की मांगों का विरोध करने को कहा, जिन्ना से कहा कि तुम दलितों की मांगों का विरोध करो। तो जिन्ना ने कहा हम स्वयं जब अल्पसंख्यक होने के कारण विशेष अधिकार चाहते हैं तो फिर दूसरे अल्पसंख्यकों की मांगों का विरोध कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में कि अब जिन्ना जो है गांधी और जो अम्बेडकर साहब, जिन्ना और गांधी इनके सबकी जुबान पर आ रहे हैं, सिर्फ वो पहले गोलमेज सम्मेलन का जो भाषण है जी जी। तो इस तरह से ये सारी बातें होती हैं। और लेकिन जब वो सरकार अपना घोषणा पत्र जारी करती है, कम्युनल अवार्ड जिसको कहा गया, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन की घोषणा की गई, तो उस पर जो है गांधी जी ने तिरौदा जेल में उस समय थे, उन्होंने आमरण अनशन किया कि ऐसा होगा तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। उस समय महामना मदन मोहन मालवीय बीच में आते और उन्होंने झोली फैला करके महात्मा गांधी के प्राणों की भी बाबा साहब से मांगी थी। और इसमें अकेले मदन मोहन मालवीय ही नहीं थे, मामना ही नहीं थे, बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, मुंजे साहब, अमृतलाल ठक्कर, कुंजर, एन शिवराज, एम सी राजा और सोलंकी, ये सारे मौजूद थे। तो इमरजेंसी कमेटी ने अपील की कि देश के इतिहास में ऐसे नाजुक समय में हिंदुओं के साथ ही अपनी भलाई की बात सोचनी चाहिए, अम्बेडकर साहब से कहा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप दो दो अप्रिय घटनाएं न हो जाएं, गांधी जी की मौत और स्वाभाविक हानिकारक प्रतिक्रिया। हंसा मेहता, मिसेस कैप्टन कमला नेहरू, इन्होंने भी अम्बेडकर से जाकर निवेदन किया कि बापू के प्राण बचाए जी। तो इस तरह अंततः फिर अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने कहा कि जब तक गांधी जी ये बात स्वयं नहीं बताते कि पृथक निर्वाचन के स्थान पर वे दलितों को क्या देंगे, तब तक मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। इस तरीके से सम्मेलन के सदस्यों ने बिरला हाउस में आरक्षण की रूपरेखा बनाई, रिजर्वेशन जो आज सबसे कंट्रोवर्शियल है, उसकी वहां से उसका वो निकल के आ रहा है जी। तो उसमें जो है ये सारे लोग सम्मिलित थे और लास्ट में अंततः 25% की बात की थी बाबा साहब ने, महात्मा गांधी 5% तक तैयार थे, फिर बाद में राजा गोपालाचारी ने उसमें हस्तक्षेप करके 10% पे कहा, बाबू चुकी बिल्कुल मरणासन हो चुके थे, फिर 10% उन्होंने ओके कर लिया और यहाँ से रिजर्वेशन शुरू होता और इसकी बात ब्रिटिश सरकार को दे देगी और ब्रिटिश सरकार ने उसे मान भी लिया। इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है इतिहास में, सबसे महत्वपूर्ण ये घटना उनके जीवन में घटती है। और इसमें जो संधि पत्र हुआ उसमें दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और कांग्रेस की ओर से महामना मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए, गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए जी जी जी। और इसके अलावा एम आर जयकर हैं, तेज बहादुर शत्रुन, घनश्याम दास बिरला भी हैं, राजा गोपाल आचार्य, राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर श्रीवास शास्त्री, ये सब लोग मौजूद। तो ये जो गांधी जी के साथ अब यहाँ तक आ गए अम्बेडकर के चल के, एक विचारधारा के रूप में, एक विचार के रूप में, एक विभूति के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में, निश्चित तौर पर ये 30 के बाद तक आते आते काफ़ी कुछ बातें निकल के आ गई, उनका एक व्यक्तित्व भी बन के आ रहा है। मैं थोड़ा सा, चूँकि समय की सीमा है, अब यहाँ आपसे आज के संदर्भ में अगर उनकी प्रासंगिकता, उनके विचारों की जानने की बात करूँ, क्योंकि वो लॉ भी पढ़ रहे हैं, समाज को भी देख रहे हैं, समाज के संघर्षों को जीते हुए
आगे भी आ रहे हैं, उसके कल्याण की भी बात है। तो जब तक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब नहीं मिलती तब तक कल्याण संभव नहीं है। तो आज के संदर्भों में जब हम इन समाज की बात करते हैं, इन स्थितियों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ तो आज भी बनी हुई हैं, तो विचार तो आज भी उनके वही प्रासंगिक है, फिर हम कैसे उसको, लड़ाई को आगे ले जाएंगे? आपको क्या लगता है कि विचार तो प्रासंगिक है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अगर उनके प्रायोगिक तौर की बात की जाए, उनसे हमें कहाँ रास्ता मिलता है इसमें? उसके लिए सबसे बड़ा तो ये है कि अगर हम देश में एकता, समरूपता, समृद्धि सब लाना चाहते हैं, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिसकी बात उन्होंने की थी, तो बहुत जल्दी होगा अभी इस बात को कहना, ये हिंदू कोड बिल की बात है जो 1951 में पास हुआ था। तो ये प्रश्न वहां जाकर के ठहरता है कि जब हिंदू कोड बिल में ये बात आई, उन्होंने यूनिफॉर्मिटी की बात की थी और उस यूनिफॉर्मिटी पे नेहरू सरकार तैयार नहीं हुई। राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये बिल पास होकर आया तो मैं अपने हस्ताक्षर करने ना करने का अधिकार का उपयोग करूंगा। इसी बात पर बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया अपने मंत्री पद से। जी, विधि मंत्री थे उस समय वो आजाद भारत में, लेकिन इसके बीच में बहुत कुछ हुआ है, तो उसको भी अगर हम देखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 42 में जो है उनको श्रम और PWD विभाग सौंपा जाता है। और इसके अलावा ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भी अपने जो क्रिप्स मिशन आता है, जो कैबिनेट मिशन है, जिसको कैबिनेट मिशन के सामने भी उन्होंने अपनी बातें रखी थी, दलितों का पक्ष रखा था, कैबिनेट मिशन ने भी उनकी सुनवाई नहीं की। 1919 का जो अधिनियम था उसमें भी बात उठी थी, अम्बेडकर साहब ने वहाँ भी रिप्रेजेंटेशन दिया था जो मैं अभी नहीं बता पाया, तो वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं। और नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने जो लिखी उसमें भी दलितों को स्थान नहीं दिया गया था। तो इस तरीके से जब ये उपेक्षा कैबिनेट मिशन ने की, तो बाबा साहब का जो है दूसरा रूप सामने आता है और उन्होंने उसकी भर्त्सना की। और उसके बाद में जब अंतरिम सरकार बनती तो उसमें 5 कांग्रेसी हिंदू और 1 कांग्रेसी हरिजन, 5 मुस्लिम लीग, 1 पारसी, 1 सिख, 1 ईसाई, ये प्रतिनिधि सदस्य। अब दुर्भाग्य देखिए, जो नेता विश्व में आ चुका है, जिसकी विश्व भी उसके ज्ञान का लोहा मान रहा है, वहाँ अंतरिम सरकार में बाबू जगजीवन राम को चुना गया अम्बेडकर जी के स्थान पर। और उसके बाद में जब ये आंदोलन चला, नागपुर में सत्याग्रह हुआ इसके खिलाफ, तब भी जो है जोगेंद्र मंडल उसी SC ST फेडरेशन से लिए गए जिसकी स्थापना बाबा साहब ने की, लेकिन बाबा साहब को तब भी नहीं लिया गया। और इसका बाबा साहब को जरा भी मलाल नहीं हुआ कि भाई एक के बजाय 2 सदस्य आपने लिए, दोनों SC ST हैं, ठीक है, इट्स ऑल राइट, चलता है। प्रतिनिधि तो मिला, वो तो किसी को तो मिला। और उसके बाद में वो जो अंतरिम सरकार बनती है और उसमें राजेंद्र बाबू जो है उसके अध्यक्ष होते हैं, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है और स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल घोषित किया जाता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं और डॉक्टर अंबेडकर उस समय विधि मंत्री बनाए गए। उनको बड़ी हैरानी हुई कि मतलब जब उनको पहले कोई मौका नहीं दिया गया अंतरिम सरकार में, और ये आजाद सरकार में कैसे दिया गया, ये बात उनको बहुत बाद में पता चली कि ये रिकमेंडेशन जो है महात्मा गांधी की थी। तब तक महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी थी। तो ऐसे ऐसे इतिहास में छिपे हुए पक्ष हैं। तो अम्बेडकर ने उस समय क्या आभार जताया होगा जब उनको ये पता चला होगा कि ये विधि मंत्री का पद, कौन महात्मा कौन पुण्यात्मा मेरे इस चैन के पीछे खड़ा है, कि जिस महात्मा गांधी, और बड़ा इंटरेस्टिंग है इनके साथ में, जब वो आप देखेंगे जो पूना पैक्ट हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर साहब ने कहा कि भाई बापू जी आपने मेरे साथ न्याय नहीं किया है, मेरे साथ अन्याय किया है। तो गांधी जी ने कहा कि ये मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है, मेरे भाग्य में अक्सर यही होता रहा है, ये उनका जवाब है। तो इस तरीके से भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, और डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान निर्मात्र समिति उसकी घोषणा की जाती है। और उस संविधान निर्मात्री समिति में जो लोग हैं, तो उसमें TT कृष्णाचार्य का एक वक्तव्य है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता है। प्रारूप समिति के 7 में से 1 सदस्य का निधन हो गया था, किंतु उनके स्थान पर किसी का नामांकन नहीं किया। 1 सदस्य प्रायः अमेरिका रहते थे, उनके स्थान पर अन्य की नियुक्ति नहीं की गई। 1 सदस्य अपनी प्रादेशिक राजनीति में व्यस्त थे,
अन्य सदस्य दिल्ली से बाहर के थे, इस कार्य में बहुत कम समय दे पाते थे। अंततः संविधान का प्रारूप बनाने का भार डॉक्टर अंबेडकर पर पड़ा और मुझे इसमें कतई संशय नहीं है कि हमें उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस कार्य को जिस ढंग से किया वो निश्चित ही प्रशंसनीय है। टी टी कृष्णमाचारी का ये वक्तव्य है बाबा साहब के प्रति। जी, अब बाबा साहब ने संविधान का मसौदा फरवरी 1948 में तैयार कर लिया। इसी बीच में उनकी तबीयत बहुत खराब हुई और जो पहली पत्नी है रमाबाई, उनका देहावसान पहले ही हो चुका है, तो वहाँ जहाँ अस्पताल में उनका डॉक्टर लक्ष्मी कबीर जी वो उनकी सेवा कर रही थी, फिर उनका वैसे जैसे कि एमिली से संपर्क हो गया सुभाष चंद्र बोस का, ऐसे लक्ष्मी कबीर से संपर्क हो गया, फिर दूसरा विवाह जो है वो उसी पीरियड में हो गया था। तो अब बाबा साहब ने जो 1949 में जो संविधान बनने के बाद में जो अपनी जो अपना रहस्य जो उन्होंने या अपना जो आश्चर्य व्यक्त किया, वो कहा कि संविधान सभा में मैं क्यों आया, केवल दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने, इससे अधिक मेरी और कोई आकांक्षा नहीं थी। यहाँ आने पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी इसकी मुझे कोई कल्पना तक नहीं थी। संविधान सभा ने जब मुझे प्रारूप समिति में नियुक्त किया तब मुझे आश्चर्य हुआ, परंतु जब प्रारूप समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना तो मुझे धक्का लगा। संविधान सभा और प्रारूप समिति ने मुझ पर इतना विश्वास करके मुझसे ये कार्य संपन्न कराया, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। ये वो रहस्य है जो महात्मा जी करके गए उनके लिए, नहीं तो उनको कोई मौका नहीं मिलता। इस बात से वो अनभिज्ञ हैं और जब उनकी हत्या हो जाती तब इस बात का उनको पता चलता है। तो इस तरह से फिर सरकार में कुछ समय वो रहते हैं, फिर को हिंदू कोड बिल की बात आती है तो उसमें वो समान जो आपका पहला प्रश्न था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि भाई अगर देश में एकता कायम करनी है तो सबको बराबर निगाह से रख, इस पर जो है डिफरेंसेस थे उस डिफरेंसेस पर उन्होंने इस्तीफा दिया। और उसके बाद में और क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये आएगा तो हम इस पे अपना अधिकार का उपयोग करेंगे, तो इस पे इस्तीफा ही एक रास्ता था। फिर 1956 में ये बम्बई से उसके बाद में राज्यसभा के लिए चुने गए, क्योंकि वो जो 52 में इलेक्शन हुआ उसमें वो हार गए थे, नहीं आ पाए, तो इसलिए राज्यसभा से उनको चुना गया। फिर बौद्ध दीक्षा, वही जो केलुस्कर साहब ने जो किताब दी थी, जो प्रभाव था उनके ऊपर बौद्ध धर्म का, वो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध दीक्षा ग्रहण की और वो महाथेरा चंद्रमणि ने 4 बौद्ध आचार्यों के साथ में उन्हें पाली भाषा में त्रिरत्न और पंचशील की शपथ ग्रहण कराई थी। तो इस तरह से एक दूसरा इलेक्शन भी था 1954 में भंडारा उपचुनाव, उसमें भी उनकी हार हुई। फिर तबीयत उनकी खराब रहने लगी थी, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉ की उनको उपाधि भी दी, एक नया प्रकल्प उन्होंने शुरू किया प्रबुद्ध भारत का, वो प्रकाशित हुआ और बहुत प्रसिद्ध पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वो 1956 में उसकी भी स्थापना हो गई। फिर ये शरीर चलते 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 अंत में वो दिन आया जो जिस दिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो अलीपुर रोड जो दिल्ली में वहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ। फिर यहाँ से अगले दिन उसके यानी 7 दिसंबर को शिवाजी पार्क दादर में उनका दाह संस्कार किया गया। इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत और बाबू जगजीवन राम ने उनकी व्यवस्था दिल्ली से वहाँ जाने की थी। 10 बजे उनका जो पार्थिव शरीर है वो दर्शन के लिए रखा गया। 6 बजे स्वयात्रा प्रमुख मार्गों से होकर संसद भवन पहुंची, फिर हवाई अड्डे से डकोटा हवाई जहाज से उनकी पार्थिव देह को बम्बई ले जाया गया, जहाँ सांतराकुश से दादर तक जुलूस निकाला गया। उनके सिरहाने बुद्ध की मूर्ति रखी और देह के चारों ओर मोमबत्तियाँ जलाई गई, बौद्ध विधि से उनका अंतिम संस्कार किया। तो जी, अंत समय में जब बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो समाज की उन स्थितियों से परिस्थितियों से लड़ते लड़ते एक जो हिंदू धर्म में वो पैदा हो रहे हैं, बौद्ध धर्म में वो अपना महापरिनिर्वाण उनका हो रहा है, तो जो समाज की परिस्थितियाँ जो थीं वो उनके जीते जी भी नहीं बदल पाई और आज भी उनमें बड़ा दुरूह संघर्ष है। तो फिर से मैं उसी विचार को रखता हूँ चलते चलते आपके सामने कि उनके विचारों की प्रासंगिकता तो आज भी बनी हुई है, फिर आगे आने वाले इस समाज को उनके कम से कम जो विचार हैं उनको हम आगे तक ले जाएं, उनकी जो पीड़ा थी मन की उसको आगे ले जाएं और वो जो समाज बने जिसमें हम एक रूपता की बात को कर रहे हैं, समरूपता की बात कर रहे हैं, सबके कल्याण की बात कर रहे हैं और उसके लिए काम किया भी, संविधान के रूप में ऐसी चीज़ हमको दे भी गई
जो समरूपता हमको ला सकती है। तो कहीं ना कहीं एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उस महापुरुष को एक श्रद्धांजलि के रूप में देश को एक ऐसे मार्ग पर ले जाएं जहां सबको समान अवसर मिले, सबको आगे बढ़ने का रोज का सबके कल्याण की भावना है वो सब में होनी चाहिए। उन्होंने इस बात को व्यक्त भी किया है, उन्होंने कहा है कि मैं जो है ब्राह्मणों के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन वो दृष्टि भेदभाव की जो दृष्टि उसके विरोध में, क्योंकि एक बार जब वो नासिक सत्याग्रह की बात थी तो उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण जो हमारे समर्थन में उनको बाहर करो, उन्होंने ब्राह्मण हमारा समर्थन कर रहे हैं उनको क्यों बाहर करेंगे, हमारा तो भेद दृष्टि से हमारा भी मत जी जी जी, ये भेद दृष्टि खत्म होनी चाहिए। अगर वो शूद्र हमें प्रिय नहीं है जो हमारे साथ भेद दृष्टि रख रहा है, सही, लेकिन ब्राह्मण मुझे प्रिय है जो हमारे साथ सहयोग कर रहा है। जो अम्बेडकर जी के माध्यम से उनको एक गुरु भी मिला, वो भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे, पेंडसे साहब ब्राह्मण थे, और उनके जो बाबा साहब का टाइटल दिया है, ये बाबा साहब का टाइटल दिया हुआ है, अम्बेडकर टाइटल दिया हुआ है, उनका असली तो सब खत्म हो गया, ये तो सब विप्रों की देन है। मतलब वो प्रतीकों का विरोध नहीं कर रहे लेकिन भाव का विरोध कर रहे हैं कि जो भेद पैदा करता है, जो भेदभाव पैदा करता है, जो ठेस पहुंचाता है, जो समाज को इस हद तक ले जाता है कि लास्ट में उसको मार डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई आज जब भेदभाव होगा तभी तो हम किसी की हत्या करेंगे, जब डिसलाइकिंग होगी तो मर्डर होगा, लाइक होगा तो गले से लगा लेंगे। डिसलाइकिंग की जो फीलिंग है उसके अगेंस्ट में उनकी बात है, और ये डिसलाइकिंग जब कास्ट का रूप ले लेती है, धर्म का रूप ले लेती है, तो ये बहुत घातक हो जाती है, इसका विरोध कर रहे हैं, और उसी का रिजल्ट है पाकिस्तान, उसी का रिजल्ट है, और भी जहाँ भी डिफरेंसेस हुए हैं इसी बात के डिफरेंसेस हैं, और इसी को वो खत्म करना चाहते हैं ताकि वसुधैव कुटुंबकम वो सार्थक हो सके। तो निश्चित तौर पर अम्बेडकर जी का जो जीवन है, उनका जो कार्य है, वो हमको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ प्रेरणा देता है। लेकिन कुछ युवा पीढ़ी के लिए आप कहना चाहें जो आज भी चाहे रोजगार के लिए संघर्ष कर रही हो, चाहे अपने विचारों के लिए संघर्ष कर रही हो, तो कहीं कोई एक लॉ, एक प्रेरणा उनके जीवन से? जब आज की जब गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में वो प्रोफेसर हो गए तो कोई अछूत उनके पास में रिकमेंडेशन के लिए आया अपने बच्चे के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले आपका बच्चा योग्यता से आना चाहिए, मैं आज जहाँ हूँ अपनी योग्यता से आया, अपने संघर्ष से हूँ, और आप अपने बच्चे की क्षमता को मार रहे हैं, रिकमेंडेशन से उसकी क्षमता मर जाएगी, उससे कहो कि वो परिश्रम करे, आए, मैं उसके सामने उदाहरण हूँ, और वो आगे ये उनका मैसेज है युवाओं के लिए, वो सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं, सारे लोगों के लिए, कि हम जब भी इन सब चीजों में उलझ जाते हैं तो हमारी जो आंतरिक आत्मिक शक्ति है वो कम हो जाती है, इसलिए आत्मिक शक्ति का विस्तार करो, यही संदेश महात्मा गांधी भी दे रहे हैं। तो इस मामले में कहीं ना कहीं ये दोनों महापुरुष एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं कि अपने आत्मबल को, अपनी आत्मशक्ति को, अपनी चेतना को अगर आप जगा लेते हैं, अपने आप को अगर ये महसूस करा देते हैं, तो फिर जो कर्म है वो आपके लिए एक मार्ग भी बनता है, एक प्रेरणा भी बनती है। अच्छा। और उससे कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। हाँ, और ये जो आरोप लगाया जाता है ना कि भाई दलितों के लिए सब कुछ किया और दूसरों लोगों के लिए नहीं किया, संविधान में ये लिख दिया वो लिख दिया, ऐसा कहीं कुछ नहीं। संविधान में उन्होंने वही लिखा जो उनको लिखना चाहिए था, वहाँ वो दलित नहीं है, वहाँ एक वहाँ राष्ट्रवादी है वो, और वो पूरे देश को एक निगाह से देख रहे हैं। मसलन कि अभी अछूतों को तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी दुर्दशा इसलिए क्योंकि आप अभी जो है पंडरपुर जा रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, काशी मथुरा जा रहे हैं, दुर्दशा तो होगी होगी, अरे ये सब छोड़ो और ये इसमें आओ कि भाई हमारा सामाजिक अधिकार, हमारा आर्थिक अधिकार, पहले ये सुरक्षित हो, फिर तुम कहीं भी जाना। ये वो शिक्षित होने की बात कर रहे हैं, वो संगठित होने की बात कर रहे हैं, वो आगे आने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने अनुच्छेद 15 में साफ लिखा है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। ये साफ उन्होंने लिखा है। और अनुच्छेद 16 में कहा है कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। कहाँ इसमें डिफरेंस है? और जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये रिजर्वेशन हो गया, ये हो गया, ठीक है वो बात उठी पूना पैक्ट में, लेकिन जब संविधान में वो बात आती है तो वो मैटर जो था, संविधान जो चलाने वाले लोग हैं,
जो इम्प्लीमेंट करने वाली जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर था, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और सरकार के ऊपर था, संविधान में व्यवस्था नहीं है रिजर्वेशन की। जी जी, और रिजर्वेशन के नाम से जो हेट्रेड उनके खिलाफ फैलाई गई ये एक भ्रामक प्रचार है। वो रिजर्वेशन की बात, वो सिर्फ 10 ईयर्स तक की बात करते हैं, 10 साल तक ये रहेगा, संरक्षण मिलना चाहिए थोड़ा सा आगे आने के लिए। और उनको पूरी उम्मीद थी कि 10 साल में पूरा हो जाएगा, लेकिन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि जो उसकी कंडीशन थी कि जो लोग रिजर्वेशन पाते जाएंगे वो उससे वंचित होते जाएंगे, जिनको नहीं मिला उनको मिलेगा, लेकिन वो क्लास हटा दिया गया वोट बैंक के लिए, जो रिजर्वेशन से आगे बढ़ते गए वो वापस उसी पे कायम होते गए। उन्होंने भी मतलब दूसरे का हक लिया और उसको जो पीछे की पंक्ति वो वहीं रहेगा, आगे नहीं आने दिया, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया। 10 साल में जो पूरा होना चाहिए था आज तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आगे वालों ने ब्लॉक कर दिया तो पानी सड़ने लगा, तो वो ब्लॉकेज नहीं हटा, ये पॉलिटिक्स की वजह से। उसके लिए अम्बेडकर साहब दोषी नहीं है, इस बात को हमें जो है साफ करना पड़ेगा, तभी हम उनके राष्ट्रवाद को समझ पाएंगे। तो श्रोता बंधु, आप थे डॉक्टर सुरेशचंद शर्मा जी, जो शिक्षाविद हैं, स्कॉलर हैं, और इस तरह के जो बिंदु हैं उन पर अपना मत और अपना अभिमत रखते रहते हैं। यूँ तो डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जीवन प्रेरणा है, पूरा जो उनका कार्य है वो हमारे लिए एक रोशनी की तरह है, लेकिन एक प्रत्यक्ष रूप में अगर हम देखें तो जो उनकी दी हुई संविधान के रूप में हमें एक उपहार है देश को चलाने और बनाने का, वो आज भी हमारा मार्गदर्शन दे रहा है। इस रूप में आज हम उनको नमन करते हैं और उनके किए हुए उस कार्य को जो राष्ट्र के लिए और समाज के लिए उन्होंने किया, उस योगदान के लिए हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आप आए डॉक्टर साहब और अपने विचार और अभिमत से हमारे श्रोताओं को आपने ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।